प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे और यहां लोगों को संबोधित भी किया। सुनिए। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। आज भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, और यही मेरे देश के युवाओं का पावर है, वही उनकी शक्ति है। और दुनिया भी हिंदुस्तान के नौजवानों की टैलेंट को देखकर अचंभित भी है। और भारत कैसे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है, भारत के सुख दुख का साथी है।